आइए बुलेटिन में खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, जो कि आज दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने काम से जनता के बीच सख्त प्रशासक की छवि को बनाया है, तो वहीं अपनी पार्टी बीजेपी के लिए चुनाव में स्टार प्रचारक के किरदार को निभाया। इतना ही नहीं, विपक्षियों को करारा जवाब देकर साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश और अपनी पार्टी के लिए वो कितने खास हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान न था। कल योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करिश्माई जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच डाला है। आज विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर ही लगी रही। सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम बने और उसके साथ काम तेजी से हो, जो कानून व्यवस्था का चीज है उस पर आगे अमल और करे, डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ता रहे, साथ साथ जो रोजगार का मामला है उसको और किस तरह से तेजी से बढ़ा जाए। योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। लगातार दूसरे कार्यकाल में लौटने वाले योगी आदित्यनाथ 37 साल में यूपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अपने दम पर ही 255 सीटें हासिल की हैं। 49 साल की योगी आदित्यनाथ के विरोधी और विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर निशाना साधते रही हैं। कानून व्यवस्था, कोरोना जैसी महामारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर विपक्षी दलों ने योगी की घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन जब 10 मार्च को ईवीएम खुली तो पूरब से पश्चिम तक योगी का सिक्का चलता नजर आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गिनती में हेर फेर होने तक के आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ के समर्थक लगातार विपक्ष को आईना दिखाते रहे और कहते रहे कि आएंगे तो योगी ही। 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।